तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई। और पावर बीआई में हम बात करेंगे विजुलाइजेशंस की। तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहे हैं, तो आप सभी लोग जो है रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिएगा जो बैच में हमारे हैं। और ये हमारा फर्स्ट विंडो है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था विजुलाइजेशन में स्टैक बार चार्ट में, बाकी चार्ट्स में भी इस तरह से डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमें डेटा कनेक्ट करना होगा। तो लास्ट टाइम में हमने डेटा एसक्यूएल सर्वर से लिया था, आज हम लेंगे एमएस एक्सेस डेटाबेस से। तो यहाँ मोर भी आते हैं, थोड़ा स्लो चल रहा और यहां हम डेटाबेस में आते हैं, एक्सेस डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं, कनेक्ट। और इसमें से जो डेटाबेस आपके लायक है, मतलब जो आपका डेटाबेस है जिस पे आप डेटा लगाना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट कीजिए एंड ओपन कीजिए। कनेक्टिंग हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो यहाँ पे आपके एक्सेस के अंदर में सिर्फ डेटा नहीं आता, आपकी जो क्यूरी होती है वो क्यूरी भी आपको यहाँ शो हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए सिलेक्ट किया, उसने क्यूरी को रन किया और जो क्यूरी का डेटा है वो यहाँ आपको ला देगा। तो एक्सेस में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका डेटाबेस ही आएगा, आपका क्यूरी भी उसी के साथ आएगा। तो ये डेटाबेस हमारा है, हम इसको या इस पर देख लीजिए। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, वो पूरी डेटाबेस को लोड कर रहा है यहाँ पर। काफी स्लो है, इसको यहीं पे मैं लोड, यहाँ पे डेटा हमारे पास आ गया, एक डेटा ये है हमारे पास, एक साथ कई डेटा को भी लोड किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मैं इसको एक ही को लोड कर रहा हूँ, कई सारे डेटा इसको लोड करना हम आगे क्लासेस सिखाएंगे आपको। यहाँ हमने लोड पे क्लिक कर दिया, थोड़ा सा स्लो चल रहा है।
ऐसे भी डेटा कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा स्लो होता ही, अब कितना भी आपका पीसी ठीक हो फिर भी थोड़ा सा स्लो होगा ही, क्योंकि तो पूरी डेटा को कॉपी करके अपने पावर बीआई के पावर क्वेरी के अंदर पेस्ट करता है सर, वो लिंक नहीं करता है, उसको उठा के यहाँ पे डाल देता है, जब आप रिफ्रेश करते हैं तो फिर जो डेटा दोनों डेटा को अपडेट कर देता है। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे 100% स्टैक पर कॉलम चार्ट। हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे आपको कि अगर आपके पास कई सारे डेटा है तो उसमें इसका यूज कर सकते हैं। ओके तो यहां हम रखते हैं स्टैक कॉलम चार्ट और फिर इसमें हम मंथ को डालते हैं लेजेंड के लिए और यहां हमारा P1 जो ये है डेटा है उसको डालते हैं, क्योंकि जब तक मैं अपना कोई नंबर वाले फिगर को चार्ट पे नहीं डालूंगा तब तक जो है फिगर आउट नहीं होगा। आप बोलेंगे कि सर इसमें कॉलम चार्ट और मैं यहाँ पे ये हमारा कर्सर कॉलम है इसको लगेगा, तो फिलहाल आप इन दोनों में कोई समानता नहीं देखेंगे। देखिए दोनों कंपेयरिंग करके बता रहा हूं कि कॉलम चार्ट आपका स्टैक कॉलम चार्ट एंड कर्सर कॉलम चार्ट में क्या सिमिलरिटी है। तो अगर आपने दोनों में सिंगल फील्ड रखा हुआ है तो इन दोनों में कोई फर्क आपको नहीं दिखेगा, दोनों सेम तरीके से दिखेंगे। बट जैसे ही इसमें मल्टीपल रखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉलम टू को रख दिया, तो ये देखिए इसकी पार्टीशन हो जा रही है, हो गई पार्टीशन। बट जैसे हम कर्सर कॉलम में अगर दूसरा कोई फील्ड रखते हैं तो ए यहाँ पे एक साइड में एक बार दे देता है, बट इसमें क्या है कि उसी को 50% के अगेंस्ट कर देता है। क्लियर सर, समझ में आया आपको? दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि ना सर? इसमें क्या होता है कि जितने भी फील्ड्स आप रखेंगे वो एक ही कॉलम देगा, उस कॉलम के वो पार्टीशन करते चला जाएगा, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने बार चार्ट में बताया था। और ये आपका कर्सर कॉलम में क्या होता है कि जितना विजुलाइजेशन रखेंगे वो साइड बाय साइड एक लेजेंड बनाता चला जाएगा, एक दो तीन चार जितना डालोगे उतना चलते जाएंगे। अब इसकी फॉर्मेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इसमें कर्सर रखते हैं तो ये आपका एक्सिस है, ये आपका वैल्यूज है, ये आपका लेजेंड है। इसमें लेजेंड में कुछ फिलहाल नहीं है तो फिलहाल छोड़ देते हैं, बट इसकी फॉर्मेट में हम आते हैं तो फॉर्मेट में वही फॉर्मेटिंग है जो कि हमने कर्सर बार चार्ट के लिए किया था, जैसे कि जनरल फॉर्मेटिंग हो गई, जनरल में पोजिशन हो गया, उसका कोई ऑल टेक्स है या ऑल टेक्स फंक्शन है, हाई ग्रेड वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेजेंड में ये आपका टॉप पे होगा, टाइटल को शो कर टाइटल का क्योंकि जो टाइटल है आपका वो शो करना नहीं करना, जैसे ऑफ कर दिया मैंने इसको, यहाँ पे टाइटल होता है टाइटल शो नहीं होगा, उसका लेजेंड नेम वगैरह दे सकते हैं। एक्सिस में ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको दिख रहा है ये आपका 50-50 का ग्रुप है, मैं चाहता हूँ 10-10 का ग्रुप हो जाए, तो यहाँ पे आप आइए लीनियर है आपका ऑटो है स्टार्ट, तो यहाँ पे स्टार्ट मैंने बोला 0 से स्टार्ट हो और एंड जो है वो 300 पे हो। इसमें कलर इसका क्या होना चाहिए और डेसिमल प्लेसेस ऑटो होना चाहिए, टाइटल शो करना है, जैसे ये टाइटल आपको दिख रहा है ये टाइटल शो करना है नहीं करना है आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, टाइटल शो करना है तो शो टाइटल ओनली, उसके बाद टाइटल कलर एक्सेस टाइटल यहाँ पर आपको अपने हिसाब से ऑटो है अपने हिसाब से लिख सकते हैं, टाइटल का जो फॉन्ट है वो फॉन्ट यहाँ डिसाइड हो सकता है,
और इसकी जो लाइनिंग है वो डॉटेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्टाइल लाइनिंग वो आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। स्ट्रोक यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद डेटा कलर्स में आते हैं। डेटा का कलर अपने हिसाब से अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, जो कलर आप चेंज करना चाहे वो कलर यहाँ से चेंज किया जा सकता है। डेटा कलर, उसके बाद डेटा लेवल। अब इसमें डेटा लेवल ऐड नहीं है, आप यहाँ से डेटा लेवल को ऐड कर सकते हैं। और डेटा लेवल की भी अपनी एक फॉर्मेटिंग है, वो फॉर्मेटिंग उसका हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए या पोजीशंस ऑटो है या इनसाइड की चीज कर रही है, वही है जो कि आपने पहले डिसाइड किया। और बाकी सारे चीज में सेम है, जो टाइटल वगैरह बैकग्राउंड, इसमें बैकग्राउंड में आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर वगैरह कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर है, शैडो है, ये सारा वही है जो कि हमने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। सर डेटा लेवल में परसेंटेज आ सकता है? क्या बोल रहे सर, समझे नहीं क्या बोला सर आपने? हाँ सर मैं पूछ रहा था, हाँ? ये डेटा लेवल में परसेंटेज आ सकता है, जैसे नंबर आप दे रहे हैं तो हम चाह रहे हैं परसेंटेज। यहाँ एक मिनट, कैलकुलेशन देना देखना पड़ेगा उसमें कैलकुलेशन है या नहीं है। एक मिनट, आप बोल रहे हैं डेटा लेवल में परसेंटेज आ सकता है कि नहीं आ सकता है? इसमें डिस्प्ले यूनिट हो गया, डेसिमल प्लेसेस हो गया, वर्टिकल पोजीशन, फॉन्ट फैमिली, नहीं सर उसमें परसेंटेज कैलकुलेट करने का झंझट नहीं है। हाँ लेकिन कुछ ऐसे चार्ट्स हैं जिसमें परसेंटेज आ जाते हैं, समझे ना? नहीं वो तो है सर, पाई वाला वगैरह चार में आता है, परसेंटेज आता है, मगर इसमें कॉलम वाला में नहीं आता है। क्या करेंगे कि हम डेटा को परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे सर, जो डेटा है उसी को कैलकुलेट करेंगे और फिर परसेंटेज डालेंगे, ठीक है सर? ओके। और सर ये फॉन्ट वगैरह अगर बोल्ड करने होते सर उसका ऑप्शन कहाँ पे आएगा? जैसे कि यहाँ पे आप बोल रहे हैं फॉन्ट, किस की फॉन्ट बोल्ड करना है आपको? डेटा लेवल, जैसे डेटा लेवल वगैरह है अपने, क्या जो डेटा लेवल डाल रखे ना अगर वो बोल्ड करने हैं जैसे, तो इसमें आपको, आपने देखा नहीं होगा डेटा लेवल की भी अपनी फॉर्मेटिंग है ना यहाँ पे, ये आपका साइज यहाँ से कर सकते हैं, ओवरफ्लो टेक्स्ट करना है नहीं करना है, यहाँ पे आपकी फॉन्ट है, फॉन्ट फैमिली है, शो बैकग्राउंड स्मॉल स्क्रीन, इससे पर्टिकुलर हो गया। इसी जो फॉर्मेटिंग होती है, फॉर्मेटिंग थोड़ा सा लिमिटेड होता है, यहाँ पे देखिए ले सकते हैं अपना फॉन्ट, यहाँ पे देखिए एरियल ब्लैक है आपका, यहाँ एरियल ब्लैक दीजिएगा तो बोल्ड हो जाएगा। हाँ ये तो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है सर? एक बार अपने हिसाब से इसको सही तरीके से देख लीजिएगा, वहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं आपको पता चल जाएगा। फॉर्मेटिंग तो अपने अपने अपना हाथ में होता है ना, किस तरह का फॉर्मेटिंग हो सकता है। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट लाइन जो था हमारा उसी में आते, अगर हम बात करें इसकी कर्सर कॉलम की, इससे हाँ कर्सर कॉलम इससे पे है ना, तो इसमें क्या है कि इसका जो इसका फॉर्मेट इसकी इसमें देखिए तो इसमें भी सेम वही जो इसमें था कर्सर में स्टैक में था, और इसका भी वही सेम फॉर्मेटिंग है, भी कोई चेंज नहीं है। जनरल है, लेजेंड है, डेटा बार है, डेटा लेवल्स है, प्लॉट है, टाइटल है, बॉर्डर है, वही फॉर्मेटिंग है जो है। मतलब कि आपने एक साथ की फॉर्मेटिंग कर ली तो बाकी भी फॉर्मेटिंग भी आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन एनालिटिक्स में, एनालिटिक्स में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे कि इसमें सिर्फ कॉन्स्टेंट लाइन था बट इसमें कई सारे हैं, इसमें मिनिमम लाइन है कि आप इसकी सबसे कम लाइन को ऐड कर सकते हैं, यहाँ देखिए ऐड हो गया,
इसकी कलर मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूँ। और ट्रांसपेरेंसी को फुल कर, ठीक है। इसी तरह से आपका ये मैक्सिमम लाइन है, आप मैक्सिमम लाइन को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें एवरेज लाइन, तो ये आपका एवरेज लाइन ऐड हो जाता है। सबसे पहले आप लोग क्रोमेटिक कर सकते हो, मीडियम लाइन जो बार बार रिपीट हो रहा है, मीडियम लाइन और मीडियम लाइन आपका ऐड हो जाता है। और ये आपका परसेंटेज लाइन, लेकिन आपने बताया था हर जगह पे अपना अपना यूज होता है, तो परसेंटेज लाइन आपको यहाँ पे ऐड हो गया, जो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग इसने कैलकुलेट किया और परसेंटेज लाइन भी उसने यहाँ पे ऐड। अगर हम इसकी डेटा बार को देखें, इसमें डेटा लेबल, तो डेटा लेबल्स आ गए। अब इस डेटा लेबल्स की अपनी फॉर्मेटिंग है, जैसे कि मैंने बोल्ड कर दिया, ऐसे ब्लैक कर दिया, और हमने बोल्ड के लिए हमने यहाँ से फॉन्ट जो है ब्लैक, एरियल ब्लैक ले लिया। तो इसमें भी कोई खास चेंज नहीं, वही है जो सन में, बस रेडिक्स अपने हिसाब से कर दिया। ओके सर, लेकिन कभी कभी क्या होती है कि हमें अपने हिसाब से सिर्फ कैलकुलेशन करनी पड़ती है, अपने हिसाब से करनी पड़ती है। जैसे इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ और अपने डेटा में, जैसे कि आप डेटा में देख रहे हैं कि हमारा सेल्स है, इसमें लाने दीजिए, हाँ सेल्स है, ठीक है, मंथली हमारा यहाँ पे सेल दिया गया, राइट। लेकिन क्या है कि हमारा यहाँ टारगेट भी है, हमारे यहाँ एक टारगेट भी है। तो टारगेट क्या है, तो मान लीजिए इस समय 70% का टारगेट, तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, यहाँ पे करना चाहता हूँ कि टारगेट का परसेंटेज कैसे पता चले। तो यहाँ हमने न्यू कॉलम से ऐड कर लिया, मान लीजिए P1 का परसेंटेज देखना है, P1 परसेंटेज, तो यहां पे हम करेंगे P1 डिवाइड बाय P-1 कॉलम नाम से लिया है, डिवाइड बाय 7, एंटर कीजिए, पूरा कैलकुलेशन। और इसको यहाँ देखिए डेसिमल में है, इसको आप यहाँ से फिक्स नंबर डेसिमल ले लीजिए, यहाँ से फॉर्मेट चल जाएगा कैटराइज में, अब जनरल परसेंट। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा साइंटिफिक समझने वाली बात है कि यहाँ पे डेसिमल नंबर था तो यही पे परसेंटेज होना चाहिए था ना, तो यहाँ पे हमने डेसिमल नंबर को सिलेक्ट किया और ये यहाँ पे फॉर्मेट हमारा परसेंटेज सेट हुआ, क्यों? तो देखिए कंप्यूटर में जो डेसिमल होता, जो परसेंटेज होता है, एक्चुअल में वो डेसिमल नंबर नहीं होता, जब उसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो वो उसको मल्टीप्लाई बाई 100 करके शो करता है, बट एक्चुअल में वो 54 मैंने कि डेसिमल में रहता है, जैसे 54 हुआ तो एक्चुअली क्या होगा 0.5429, इसलिए यहाँ से परसेंटेज अपना सिलेक्ट कर। तो आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए तो फिर उसको आप अपने रिपोर्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने हमने यहाँ पे रख दिया कर्सर कॉलम चार्ट को ले लेता हूँ। अब कर्सर कॉलम चार्ट और ये आपका कर्सर दोनों सेम ही है, सिमिलर ही है, ध्यान रखिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं, बस एंगल चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। मैं दोनों को कंपेयर करके दिखा देता हूँ। अब जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और इसमें हमने मंथ को रखा और मंथ के हिसाब से हमने P1 को रखा, P1 आ गया। अब इसी में अगर मैंने P1 का परसेंटेज डाल दिया तो क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखा?
यहाँ भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मंथ डाल दिए, पी वन को डाल दिया और पी वन का हमने परसेंटेज डाल दिया। तो यहाँ पे पी वन नहीं लिखे क्योंकि हमें बताया था आपको नंबर में होता है ना सर, इतना छोटा है कि ए जीरो के आसपास ही डाल दिया। तो कंपेयरिंग कैसे कर, किस तरह से कंपेयरिंग करें इसको, तो इसके लिए इसकी फॉर्मेट डालना होगा, फॉर्मेट डाल दिए और इसको y एक्सिस पे डालना होगा। सेकेंडरी एक्सिस का ऑप्शन नहीं लिया हुआ है, इसलिए सेकेंडरी एक्सिस का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम अलग से मतलब कॉम्बो चार्ट यहाँ अलग से दिया हुआ है। इसको ले लिया यहाँ फर्स्ट चार्ट कॉलम का, इसको लेते हैं तो यहाँ पे हमें और यहाँ पे कॉलम थ्री का स्केल था पे इसको ओके देन सेकेंडली एक्सिस यहाँ पे। तो जैसे एक्सेल में होता है कि आपने राइट क्लिक किया और सेकेंडरी एक्सेस ले लिया, कि यहाँ पे सिस्टम नहीं होता, इसके लिए आपको कॉम्बो चार्ट लेना पड़ेगा। कॉम्बो चार्ट लेने के बाद अपनी फील्ड को उसी पोजीशन में रखना होगा जिस पोजीशन में था, तभी आपको यहाँ पे जो है आपके जो आपका मेन चीज है वो दिखेगा। और यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये आपका परसेंटेज का चार्ट है, ये आपका चार्ट, यहाँ पे छोटी सी कंफ्यूजन हो जा रही है। अब यहाँ पे देखिए 180 है, तो यहाँ पे देख लेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगी ये 180 के आसपास, बट एक्चुअली क्या है ये 220 के पास। तो आपको यहाँ सेकेंडरी इसका जो मिनिमम मैक्सिमम है उसी हिसाब से चेंज करना होगा। यहाँ अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूँ तो स्टार्ट हमने बोला जीरो से एंड हमने यहाँ पे 300 कर दिया, 200 कर दीजिए और यहाँ भी हमने कर दिया जीरो और यहाँ से देखा हूँ टू, तो दोनों एक्सिस के यहाँ पर आया टू या थ्री कर देते हैं इसको भी क्लियर नहीं करेगा। तो अब जो है अच्छा दिख रहा है, तो इस समझ में आ रहा है, इधर से भी देख लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा और इधर से भी देख सकते हैं। तो सेकेंडरी एक्सिस में इसका ध्यान ओके तो इसमें आपने को ध्यान रखिए कि ए चार्ट हो गया आपका, ए जो ऊपर की जितनी चार्ट है वो सारे चार्ट सेम है और हम नई चार्ट कवर कर दिए। कल हम बात करेंगे नीचे वाले लाइन के चार्ट पे और हम किसी और डेटाबेस के साथ उसकी कनेक्टिविटी करने की बताएंगे कैसे कनेक्टिविटी करते हैं। तो आज क्या है इसके ऊपर लाइन पे पूरे पे प्रैक्टिस कर लीजिए। हम ये जो एक्स एक्सिस पे मंथ्स है इसको ऑर्डर में कैसे कर सकते हैं, क्या बोल रहे हैं जो मंथ्स हैं दिसंबर में पहला दिसंबर या फिर मार्च, तो ये ऑर्डर वाइज कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको इसकी फॉर्मेट में जाना होगा और इसकी वाई एक्सिस पे आना होगा, ये वाई एक्सिस जाना है वाई एक्सिस, ये तो ये वाई एक्सिस से नीचे चला गया
जहाँ सर ये फिल्टर लगा हुआ है ना, यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा आई थिंक, मैंने चेक किया था ये नीचे की साइड में ना शॉर्ट तो होगा आपके डेटा अकॉर्डिंग, तो डेटा उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा ना सर। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट का ऑप्शन करते ही है तो उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट का डेटा अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा, ए शॉर्ट करना चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग, करेक्टर अकॉर्डिंग जो लेजेंड है उसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं सर। इसी के अकॉर्डिंग किया था सर मैंने भी, इससे कोई मतलब उसका नहीं है, क्योंकि अल्फाबेटिक चल रहा है तो अगर आपका डेट होगा तो शॉर्ट उस हिसाब से हो जाएगा, बड़े मंथ को डेट में कन्वर्ट किया हुआ तो एक क्या सिस्टम इसको टेक्स्ट समझा हुआ है, क्योंकि कैलेंडर के अकॉर्डिंग शॉर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसको शॉर्ट करने के लिए डेट के हिसाब से शॉर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसको डेट बनाना पड़ेगा वो हम कल बताएंगे आपको, तो प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं कल सेम टाइम।